यहाँ से ये पूरा गांव दिखाई देता है मेरा, ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये पूरा गांव दिखाई देता है। और ये है मेरा घर, ऐसे दिखाई देता है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा मार्केट, भैरखाल मार्केट। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष रावत और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों आज की वीडियो घर से ही होने वाली है। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना मार्केट, मार्केट कैसे है और कुछ गांव की सैर करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना और चलते हैं सीधा वीडियो में। तो दोस्तों ये वाला खेत आपको याद होगा, मैंने पिछली वाली वीडियो में इसमें बोया था ये, तो इतना बड़ा हो चुका है ये। और घर से बाहर निकलते ही कुछ ऐसे नज़ारा दिखाई देता है, जैसे ही मैं घर से बाहर आता हूँ अपने घर से बाहर, तो ये खूबसूरत से पहाड़ के नज़ारे दिखाई देते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। और इन खूबसूरत से पहाड़ों के नज़ारों के साथ निकल जाते हैं हम मार्केट की तरफ। और इस समय सूर्यास्त का टाइम, काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है सूर्यास्त के समय। और उसके बाद हम चल पड़ते हैं मार्केट की तरफ। तो जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो ये बहुत पुराना नल है यहाँ पे गांव के बीचों बीच, और इस नल तो लगा हुआ है पर इस नल में पानी नहीं आ रहा है दो तीन दिन से, पानी काफ़ी दूर से लाना पड़ रहा है। और उसके बाद चल लेते हैं आगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से घर बनाए जाते हैं हमारे पहाड़ में, ढलानदार घर, और सुंदर से सजावट की जाती है घरों की। तो देख सकते हो दोस्तों आप, कुछ इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। ये जो जगह है ना, तो यहाँ पे पहले ऐसे ही हुआ करता था, ये बाद में बनाया गया है। तो जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ पे कंचे खेला करते थे, पत्थर से घर बना के खेला करते थे। तो काफ़ी सारी यादें हैं यहाँ की भी। ये गांव के ना बीचों बीच है, और जो आम का पेड़ है इसे बुड्ढा आम के नाम से जानते हैं। अभी तो बढ़िया बना दिया यहाँ पे बैठने के लिए, बना दिया बढ़िया तरीके से इसको बना दिया है। छोटे छोटे बच्चे थे तो यहाँ पे खेला करते थे। मार्केट से ऊपर है, कोई यहाँ पड़ता नहीं। और यहाँ पे ये टावर, इस टावर को लगने से काफी मतलब सिग्नल की प्रॉब्लम बहुत खत्म हुई। और यहाँ से ही चारों तरफ पकड़ता है, इस साइड भी कवर करता है, उस साइड भी कवर करता है, और मेरे वाला एरिया भी कवर करता है, उधर चारों तरफ कवर करता है ये। और यहाँ से दिखाई देता है मेरा पूरा गांव जोन डांडा, ये पूरा गांव। और वो ऊपर वहाँ बैठी है हमारी माता रानी, ऊपर चोटी में सबसे ऊपर धार में। ये यहाँ से लेके और पूरा वहाँ नीचे तक ये भवन गांव पड़ता है, पूरा नीचे तक उधर। ये मार्केट आ गया इधर, ये कालिंगा माता मंदिर, और वो जो दिखाई दे रहा है वो है जीआईसी कोटाचामी, जहाँ मैंने पढ़ाई करी है। वो कोटाचामी गांव हो गया, और इधर ये नीचे कोटा हो गया, उस साइड वो भ्याड़ी गांव हो गया, उस साइड भी ससिकाल मौलेखाल ये चीज़ें इधर पड़ती है। ये रामनगर से आने वाली ये सड़क है जो रामनगर को जाती है सीधा,
और यहाँ से ऊपर ऊपर को और सीधा रशिया महादेव गोली खाल होते हुए किनगोड़ी खाल रशिया महादेव की तरफ सराई खेत। यहाँ जो हवा चल रही है बहुत ठंडी हवा चल रही है और यहाँ से ये पूरा गांव दिखाई देता है मेरा, ये देख सकते हो दोस्तों आप, पूरा गांव दिखाई देता है। मार्केट है अपना, ऊपर मेरा घर है ऊपर, और वो ऊपर जो दिखाई दे रही है बोना देवी मंदिर है। तो यहाँ आके भी अच्छा लगता है। अभी टावर के सामने खड़े हैं हम, दीपू भाई हमारे साथ पीछे खड़े हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं। तो यार काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ आया, मैंने यार उधर चलते हैं उधर से वीडियो शूट करेंगे कैसे दिखाई देता है। तो चल दिए घूमते। तो अब चल देते हैं मार्केट की तरफ क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और बाघ उग का डर भी आजकल, क्योंकि गांव में बाघ उग लगा पड़ा है और लोग कह रहे हैं भैया बाघ आ रहा है। तो चलते हैं अब मार्केट की तरफ और इसके बाद आपको दिखाएंगे मार्केट, छोटी सी मार्केट है पर मार्केट दिखाएंगे आपको। मेरे साथ है दीपू भाई, ये देखो कैसे चल रहे हैं। चाय पीते हैं हम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं मनीष रावत मिलता हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।